मैं जात का चवार हूँ, गरीब आदमी, मेरी ये 80 साल की उम्र है। नमस्कार, मैं हूँ शुपांडे और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी खबर पर जो कि शासन प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आज सोशल मीडिया में प्रयागराज का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जो कि मेजा तहसील का है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दीनहीन दशा में दिखाई दे रहा है। बार बार वो कह रहा है कि मेरा नाम श्रीधर है, मैं जाति का चमार हूँ, मेरी उम्र 80 वर्ष है। ये वृद्ध व्यक्ति कह रहा है कि कोई भी व्यवस्था नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है, एक वर्ष हो गया है सप्लाई इंस्पेक्टर के चक्कर काट रहा हूँ। इस वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनने के बाद आपका हृदय वास्तव में द्रवित हो जाएगा। ये वीडियो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी, लेकिन फिर भी जो प्रशासन के लोग हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। इतने वृद्ध व्यक्ति को बार बार दौड़ाना और साल बीत जाने के बाद भी उसके खाने की व्यवस्था न होना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी विडंबना है जो कि शासन प्रशासन के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं जात का चवार हूँ, गरीब आदमी, मेरी ये 80 साल की उम्र है। मैं श्रीधर, मेरा नाम है, पिता का नाम महादेव है सरकार। मैं जात का चवार हूँ, गरीब आदमी हूँ, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है सरकार। कुछ सुविधा नहीं है आपको? कुछ नहीं सुविधा है, तहसील के चक्कर काटते हैं बस। बस शहर में ही आते हैं। और क्या नाम है वो सप्लाई इंस्पेक्टर सुन नहीं रहे हैं? सप्लाई मिनिस्टर साहब यही कहे हो जाएगा। कितने साल? एक साल हो गया, एक साल दौड़ते हो गया सरकार, हम क्या कहें। वहीं एक दूसरा वीडियो चित्रकूट जनपद का है जो वहां के रहने वाले पप्पू त्रिपाठी की बड़ी बिटिया का है जो कि कक्षा 8 की छात्रा है। वो अपनी दशा बताते हुए कहती है कि जब से पिताजी बीमार हुए हैं तब से बड़ी समस्या है, न खाने की व्यवस्था है न रहने की व्यवस्था है। और वहीं पर अगर पढ़ाई की बात करें तो कहती है कि 5-5 रुपए हमें इकट्ठा करना पड़ता है। करती हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 में। तीस में स्कूल जाती हो कि नहीं? जाती हूँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं कैसे हो जाती है? पढ़ाई लिखाई, पापा की तबीयत खराब है तो अब पैसा, फिर जब कहीं भी 5-5 रुपए पाते हैं तो इकट्ठा करके रख लेते हैं, फिर खरीदते हैं हर एक चीज। अच्छा, तो तुम वर्तमान सरकार से और संबंधित अधिकारियों से क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो करवा देना। क्या नाम है आपका? ज्ञानती। पापा का नाम है? पप्पू त्रिपाठी। पिता की बीमारी के कारण परिवार के पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है जिससे परिवार का सही ढंग से भरण पोषण हो सके। ये दोनों ही वीडियो अलग अलग जनपद के हैं, अलग अलग जातियों के हैं, लेकिन दोनों में एक चीज बहुत ही समान दिखाई दे रही है और वो है गरीबी। गरीबी किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो किसी अन्य जाति से हो, उसका जाति से कोई लेना देना नहीं होता है और यही चीज इन दोनों वीडियोस में सामने दिख रही है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे ताकि ये वीडियो उन नुमाइंदों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं और इन लोगों पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है जो अपने स्वार्थवश किसी भी गरीब के विषय में नहीं सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इस गरीब का परिवार, इस गरीब का पेट कैसे भरेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अखंड जागरण इंडिया और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।